हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहां से क्वेश्चन बनेगा तो वहां पर आपको टिक मार्क करते हुए चलना है। इसीलिए आपको फटाफट से अपनी बुक भी निकाल लेनी है। तो चलिए बात की जाए तो आपकी ये जो दे रखी हैं चीज़ें कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, ये कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। इसलिए आपको ये डेफिनेटली नहीं करके जाना है, ठीक है। कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया तो हम लोग आखिरकार क्यों करके जाएँ, हम मूर्खता का प्रदर्शन क्यों दें, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। केवल जो एग्ज़ाम में आता है वो मैं आपको बता रही हूँ और वही आपको करके जाना है। तो यहाँ से जो है डेफिनेटली आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि आखिरकार एल्गी कहाँ कहाँ पे यूजेज हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन सी एल्गी को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है, कभी कदाल जो है आइसक्रीम बनाने वाले का पूछ लिया जाता है, तो कभी कदाल जो है पॉलीफायरा के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक ज़रूर आपको पढ़ लेना है। अगर यहाँ पर हम बात करें क्लोरोफाइसी की, फायोफाइसी की और ये रेडोफाइसी की, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको करना ये है कि एग्ज़ाम में जब आपको आएगा तो आपको इस बेस पे लिखना है। इस तरीके से अगर आप बॉक्स में बना के लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको वो थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ना, केवल आपको ये टेबल पढ़ लेनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आपके इसी टेबल से बनने वाले हैं। तो अगर आप ये लोग आप ये सारा कुछ पढ़ लेते हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो अगर हम बात करें यहाँ पर लीवर बोट और जो ऐसी टॉपिक्स हमें दिख रहे हैं, मॉसल्स है, ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ना तो टेरिडोफाइट्स के बारे में कभी ये सब पूछा गया, इसलिए आपको जो है ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं करके जाने, क्योंकि कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया तो आखिरकार आप क्यों करोगे, है ना। हम लोग केवल वही करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। माइकोराइजा के बारे में आप देख रहे हो कि बार बार हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो है पॉइंट, ये जो पूरा पैरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको साथ में ये जो है पढ़ लेना है, ठीक है। फटाफट से निशान लगा लीजिए आप अपने बुक में, ये कभी भी आपका नहीं पूछा जाता, ये आर्कीगोनियम समथिंग समथिंग कभी भी एग्जाम में नहीं आता, तो आपको ये नहीं करना। डाइकोटिलेडंस मोनोकोटिलेडंस ये बचपन की बात हो गई है, इसलिए ये एग्ज़ाम में आजकल नहीं पूछा जाता है। जो चीज़ें केवल पूछी जाती हैं वो केवल मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ आपको नहीं बताना चाहती। और आपको ये डायग्राम ज़रूर लर्न कर लेना है कि किस तरीके से जो है हमारे हमें देखने को मिलता है कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन एंजियोस्पर्म में, तो ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन डायग्राम को याद कर लोगे तो आप प्रोसीजर भी लिख पाओगे, क्योंकि है ना, ये जो आपके लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैं तो कहूँगी मत पढ़ो, कई बच्चों को तो समझ में भी नहीं आता, इसलिए मत ही पढ़ो तो फ़ायदे में रहोगे। अगर बात करें हम यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की कि आखिरकार कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे केवल आपका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो केवल आपको जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 9th कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9th का भी केवल फर्स्ट पार्ट आपको करना है कि रेड एल्गी ब्राउन एल्गी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बस आपको थोड़ा सा लर्न करते हुए चलना है। उसके अलावा जो है आप क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि आजकल के जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनने आने लगे हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए। तो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल जो मैंने बताया केवल अगर आप बहुत सारे टॉपिक्स कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिल्कुल भी घंटा दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।